दिवाली के पुण्य पर्व पर आदि जननी लक्ष्मी जी के पूजन का विधि जो गुरुजी ने हमें बताया है वो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। हर घर में लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सुख समृद्धि और आरोग्य रहे। श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सब लक्ष्मी पूजन करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर चावल की छोटी राशि पर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी की दाहिनी ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति को चावल की छोटी राशि पर विराजमान करें। गणेश जी और लक्ष्मी जी के बीच में चावल की राशि पर या फूलों पर चांदी के रुपए, सिक्के और गहने रखें। पानी में तुलसी पत्र या गंगा जल डालकर अपने आप पर और अपने परिजनों पर छिड़क कर उन्हें पवित्र करें, शुद्ध करें। अब आचमन करते हैं। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ पर चम्मच से पानी लेकर उसे पीजिए और कहिए ओम केशवाय नमः। फिर एक बार बाएं हाथ से दाएं हाथ पर चम्मच से पानी लीजिए और कहिए ओम माधवाय नमः। फिर एक बार आप दाहिने हाथ में पानी लीजिए और पीजिए, कहिए ओम नारायणाय नमः। अब संकल्प करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब आप गणेश जी के चरणों को स्पर्श करें और उनका आवाहन करें। अब उनके हृदय को स्पर्श करें और मन में ये भाव रखें कि आप इस मूर्ति में प्राण डाल रहे हो। इसके बाद लक्ष्मी जी के चरणों को स्पर्श करें और उन्हें आपके घर आमंत्रित करें। अब लक्ष्मी जी के हृदय के पास आपके दाहिने हाथ से स्पर्श करें और ये भावना रखें कि इसमें अब प्राण पधार रहे हैं। अब लक्ष्मी जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत और फूल समर्पित करें। पहले गणेश जी को कीजिए और मन में कहिए ओम गं गणपतये नमः। इसके पश्चात मूर्तियों के सामने चावल की राशि पर मध्य में एक सुपारी और गोल आकार में 8 सुपारी रखें। यह नवग्रहों की शांति के लिए है। इनको आप हल्दी, कुमकुम, चंदन और फूल अर्पण कीजिए। अब करते हैं कलश पूजन। कलश में पानी, सुपारी, अक्षत, 1 या 2 रुपए के सिक्के, दुर्वा, ये सब डाला हुआ होता है। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते या पान के 5 पत्ते रखे जाते हैं। उसके ऊपर नारियल रखे। अब कलश की पूजा करिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल के साथ। याद रखिए कलश का ऊपरी भाग यानी विष्णु, कंठ यानी रुद्र या शिव, मध्य यानी मातृगण और मूल यानी नीचे का भाग ब्रह्मा का प्रतीक होता है। इसे प्रणाम कीजिए। अब हाथ में फूल लीजिए और महालक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए और उन्हें आवाहन करें कि वे आपके घर पधारी हैं तो यहीं रहे और सब परिवार वालों को आनंद और समृद्धि प्रदान करें। अब दीप प्रज्वलित कीजिए। याद रखिए दीप प्रज्वलन से लक्ष्मी जी जागृत होती हैं।
अब करते हैं स्नान विधि। फूल या पान से पंचामृत की बूंदे लक्ष्मी जी की मूर्ति पर छिड़कते हैं। उसके पश्चात हम शुद्ध पानी की बूंदे लक्ष्मी जी की मूर्ति पर छिड़कते हैं। एक फूल को वस्त्र का प्रतीक मानकर लक्ष्मी जी को समर्पित कीजिए। अब लक्ष्मी जी को घर के अलंकार समर्पित करते हैं, पहनाते हैं या फिर फूल प्रतीक के रूप में समर्पित करते हैं। इसके बाद सिंदूर दान कीजिए। हल्दी कुमकुम सिंदूर लक्ष्मी जी को अर्पण कीजिए। उनके माथे पर तिलक लगाते हैं। अब पुष्प और अक्षत लेकर अलंकृत महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं। अब लक्ष्मी जी की धूप या अगरबत्ती से और दीप से एक बार आरती उतारते हैं। अब पानी से भूमि पर मंडल बनाकर उसके ऊपर मिठाई, लड्डू, पेढ़े ये सब रखकर महालक्ष्मी जी को भोग चढ़ाते हैं। अब आपके परिवार के साथ श्री महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए, हर्षोल्लास के साथ दीपावली के पावन पर्व पर, तालियों के साथ, घंटानाद के साथ। अब आप श्री महालक्ष्मी जी की क्षमा याचना कीजिए। कहिए, अगर कुछ भी गलती हुई हो पूजा पाठ में तो क्षमा कीजिए। अब आप सब मिलकर श्री महालक्ष्मी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए और उनके आशीर्वाद की याचना कीजिए। यह लक्ष्मी पूजन आप जब मन चाहे कर सकते हैं, लेकिन खासकर दीपावली के लक्ष्मी पूजन के दिन ये जरूर कीजिए और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाइए। अब आप सब मिलकर श्री महालक्ष्मी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए और उनके आशीर्वाद की याचना कीजिए। यह लक्ष्मी पूजन आप जब मन चाहे कर सकते हैं, लेकिन खासकर दीपावली के लक्ष्मी पूजन के दिन।